हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चटनी बनाने जा रही हूँ मीठी आमचूर से, ड्राई मैंगो पाउडर से। ड्राई मैंगो पाउडर ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून, जैगरी 100 ग्राम्स, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है इसलिए काला नमक। कट ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए, और ये मिघी खरबूजे के बीज होते हैं वो। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं, आप किसी से भी इसको बना सकते हैं। इससे जल्दी बनती है ड्राई मैंगो पाउडर से चटनी। अगर आपके पास कभी इमली नहीं हो तो इससे फटाफट बन जाती है, इसलिए मैं ड्राई मैंगो पाउडर से बनाने जा रही हूँ। हम इसमें गुड़ डालेंगे, जैगरी, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये घुल जाएगी, उसके बाद इसको 5-7 मिनट पकने देंगे। 5-7 मिनट आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगा। पानी बॉइल करेंगे, वो मैंने 2 ग्लास करीब लिया है। ये उसमें हम पहले आमचूर पाउडर डालेंगे, खटाई जिसे बोलते हैं, ड्राई मैंगो पाउडर को, और अच्छी तरह से उसको 2 मिनट बॉइल करेंगे और चलाते रहेंगे, इससे उसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से मिल जाए। दो मिनट पकाने के बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ से चटनी का कलर अच्छा आता है, इसको मीठी सौंठ भी बोलते हैं। गुड़ पूरा घुल गया है इसके अंदर, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको ऐसे ही 5 से 7 मिनट पकने देंगे। मीठी सौंठ ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली, क्योंकि तो ज़्यादा अगर गाढ़ी होगी तो ठंडे होने पर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, फिर वो डालने में परेशानी होगी। अब इसमें हम काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इसको चलाते रहना है। भुना जीरा, गरम मसाला, गरम मसाला अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इक्वल खट्टी मीठी चाहिए चटनी, अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट चेंज कर सकते हैं।
अगर लगता है आपको ज़्यादा मीठी हो गई है थोड़ा सा उसमें आमचूर पाउडर डाल दीजिए, और आपको ज़्यादा मीठी चाहिए फिर आप थोड़ा सा उसमें पाउडर डाल दीजिए। अब इसको 2-3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। और टेक्स्चर चेंज हो गया इसका, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, एक मिनट पकाएंगे थोड़ा सा जिससे ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इसका टेक्सचर ये है, बस आप इसको थोड़ा देख लीजिए खट्टा मीठा इसका। अभी खट्टी मीठा दोनों का इक्वल टेस्ट आ रहा है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा करना है तो उसमें थोड़ा आप गुड़ ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तैयार हो गई है, आप इसको लंबे समय के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बस ये 15-20 दिन बाद दोबारा से एक बार इसको बॉईल कर लेंगे तो और लंबा टाइम तक ये आप इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। बस ये है कि आपको 15 दिन बाद एक बार उबालना पड़ेगा फ्रिज में, आप इसको 15-20 दिन के लिए रख सकते हैं। ये 2-3 महीने तक चल सकती है। एक चीज और है, अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालना है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए मीठी सौंफ रेडी है, इसको 2-3 मिनट पकाना जरूरी है लास्ट में प्रॉपर बॉईल देके, नहीं तो ये फिर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। प्रॉपर उबली हुई मीठी सौंफ खराब नहीं होती है, और उसको आप 2-3 महीने तक आराम से रख सकते हैं।